सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप गाइस आप सब अच्छा होगे। तो गाइस आज किस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले साइबर पंक फोटो रीडिंग। तो गाइस साइबर पंक एक गेम है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी को साइबर पंक बारे में पता होगा। तो गाइस आज का जो एडिटिंग है वो काफी अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस आप लोग भी कुछ स्टेप एडिटिंग करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। तो गाइस इसी वीडियो के अंदर मैंने जो भी कुछ यूज किया, जैसे गाइस बैकग्राउंड और पीएनजी, ये सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज किस वीडियो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो पसंद है बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल पर नया जो चैनल का सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ आप भाई को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, ठीक है, नीचे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो का लेते स्टार्ट। सबसे लगा क्या करना है, सबसे लगा पिक्चर एप्लीकेशन को अपने रखो, ये बेल बैकग्राउंड का आप कैसे अपन करना, ठीक है। सबसे लगा कैसे ऐड करना है, ठीक है। देन गाइस आपको इसे अपने मॉडल को ऐड कर दीजिए। तो गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो को देखने में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। देन गाइस आपको इसे क्या करना, आपको इसे मॉडल को थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पर आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस आपको इसे क्या करना, आपको इसे डन कर दीजिए, ठीक है। तो चले गए हम डन कर दिया। देन गाइस आपको इसे क्या करना, आपको इसे एक गोन वाली पेंच को आपको ऐड करना को, ठीक है। अपने हाथ को आपको ऐड करने के लिए आपको इसे एक गोन वाली पेंच मिलेगा, वो पेंच को आपको ऐड करना को, ठीक है। देन गाइस पेंच का आपको क्या करना, आपको इसे सही तरीके से आपको अपने हाथ को आपको अच्छे तरीके से सेट करके लगा दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो वैसे चले गए हम अच्छे तरीके से सेट करके लगा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गाउन ऐड करते हैं, ठीक है। देन गाइस आपको इसे क्या करना, फिर से आपको आर्ट बनाना है। देन गाइस आपको इसे एक लेंस वाले इमेज मिलेगा, ठीक है, वो इमेज का आप कैसे ऐड करना होगा। देन गाइस इमेज का आपको ब्लेंड मोड आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो चले गाइस ब्लेंड में आना है। देन गाइस के अंदर ब्लेंड मोड आपको चेंज करके मल्टी ब्लर कर दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस इस पेंच का आपको क्या करना, थोड़ा स्मॉल करके आप कैसे अपने आईज के ऊपर आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो गाइस आप लोगों को कुछ स्टेप आपको सेट करके लगाना होगा, ठीक है। तो चले गए हम अच्छे तरीके से सेट करके लगा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लेंस को ऐड कर दिया, ठीक है। तो देख ही सकते हो। देन गाइस सबको इसे क्या करूंगा, फिर से गाइस सबको ऐड करना है। देन गाइस सबको इसे क्या करूंगा, पिंक कलर का आप कैसे ऐड करना को, ठीक है, पिंक कलर इमेज मिलेगा, वो इमेज का आप कैसे ऐड करना को, ठीक है। देन गाइस इमेज का आप कैसे क्या करूंगा, फुल स्क्रीन करके छोड़ दीजिए। देन गाइस इसका जो ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करना होगा, तो चलिए गाइस ब्लेंड में आना है। देन गाइस का जो ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करके स्क्रीन रख दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस सबको इसे क्या करूंगा, आपको सीरियस बनाना है, ठीक है। देन गाइस आपको इसका जो हार्नेस का थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, सॉरी गाइस हार्नेस का थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, और इसका ओपेसिटी का थोड़ा सा माइनस करके इसका साइज का हल्का सा प्लस कर दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस आपको इसे क्या करना, आपको इसे अपने साइड साइड का आपका इसे ऐड करना हो, ठीक है, साइड साइड से आपका इसे ऐड करना हो, ठीक है। जैसे कैसे आपको फील होगा, जो बैकग्राउंड से जो लाइटर है अपने बॉडी के ऊपर आपको पड़ रहा है, ठीक है, आपको कुछ चीज आपको इसे फील करना होगा, बहुत बड़ा है। तो चले गए हम अच्छे तरीके से फील कर देते हैं। तो गाइस आप लोगों को कुछ स्टेप्स आपको ऐसे फील करना होगा, ठीक है, ये काफी अच्छा लग देगा आपको, कुछ स्टेप्स आपको ऐसे फील करना होगा, बहुत बड़ा है। देन गाइस सभी को इसे क्या करना, भी कैसे इसका ओपेसिटी थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये मुझे ज्यादा लग रहा है, आपको थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। देन गाइस सभी को डन कर दीजिए। तो चले गए हम डन कर दिया। देन गाइस सभी को फिर से आपको आर्ट बनाना है। देन गाइस सभी को सेम तरीके से आपको इसे क्या करना, आपको इसे एक और कलर वाली इमेज मिलेगा, ठीक है, वो इमेज का आपको सेट करना होगा। देन गाइस इमेज को आपको सेम तरीके से आपको फुल स्क्रीन करके छोड़ दीजिए। देन गाइस ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करके स्क्रीन रख दीजिए, ठीक है। देन गाइस सभी को सेम तरीके से इरेज बनाए, इसका जो हार्नेस का थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, और इसका ओपेसिटी थोड़ा सा माइनस करके इसका साइज को हल्का सा प्लस कर दीजिए, ठीक है। देन गाइस सभी को ऐसे दूसरी साइड में आपको ऐसे ऐड करना हो, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो चले गए हम अच्छे तरीके से ऐड कर देते हैं। तो गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप का आपको कैसे ऐड करना हो, ठीक है, ये काफी अच्छा लुक देगा आपको, कुछ चीज आपको कैसे ऐड करना हो, ठीक है, बहुत बड़ा है।
देन गाइस सब लोग इसे क्या कंडन कर दीजिए, ठीक है। देन गाइस सब लोग इसके ऑपोजिट थोड़े से सेम तरीके से माइनस कर दीजिए, माइनस करके करीबन आप कैसे 85 में रख दीजिए, ठीक है। देन गाइस सब लोग डन कर दीजिए। तो गाइस अब जैसे तो गाइस हमारे बैकग्राउंड में जो लाइट आ रहा है अपने बॉडी को और पड़ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस सब लोग को इसे क्या कंडन कीजिए, फिर से आपको आर्ट बनाना है। देन गाइस सब लोग को ऐसे एक स्मोक वाली पेंच मिलेगा, ठीक है, वो बहुत स्मोक वाली पेंच को आप कैसे एड करना, ठीक है। तो चले गए हम पेंच को ऐड कर दिया। देन गाइस इन पेंच का आपको क्या करना है, उल्टा करके आप कैसे नीचे आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस इमेज का आपको ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करना होगा। तो चले गए ब्लेंड माना है। देन गाइस इसका जो ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करके स्क्रीन रख दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस इस इमेज का आपको ऐसे सही तरीके से आपको अच्छे तरीके से आदर्श करके लगा दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। देन गाइस सब को डन कर दीजिए। तो चले गए हम डन कर दिया। देन गाइस सबको फिर से आपको आर्ट बनाना है। देन गाइस सबको एक टेस्ट वाले पेज मिलेगा, ठीक है, वो टेस्ट वाले पेज का आप कैसे एड करना, ठीक है। देन इस पेज का आपको थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पर आपको सेट करके लगा दीजिए, ठीक है। देन गाइस सबको डन कर दीजिए। तो चले गाइस हम डन कर दिया। देन गाइस फोटो को सेव करना, ठीक है, सेव करने के लिए ड्रॉ टूल में आना है। देन गाइस सबको अगेन ड्रॉ में क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ पर आपको सेव कर दीजिए और चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस आप देख ही सकते हैं आ चुका है लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर। देन गाइस सभी को इसे क्या करना, सबसे आप कैसे कलर टूल माना है, ठीक है, इसका जो वाइब्रेशन थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, ठीक है, करीबन आप कैसे 40 में रख दीजिए, ठीक है, और इसका जो सैचुरेशन खाल कैसे प्लस कर दीजिए। देन गाइस सभी को इसका क्या करना, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, ठीक है। देन गाइस सभी को मिक्स माना है, इसका जो रेड कलर को सैचुरेशन खाल कैसे प्लस करना होगा और इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। देन गाइस सभी को इसे क्या करना, अभी ऑरेंज कलर माना है, इसका सैचुरेशन हल्का से माइनस कर दीजिए और इसका जो लुमिनेंस थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो चले गए हम कर दिया। देन गाइस सब को इसे क्या करना, कैसे बाकी वाले कलर का आप कैसे सभी कलर का सैचुरेशन हल्का से प्लस कर देना होगा, ठीक है। तो चले गए हम सभी कलर सैचुरेशन प्लस कर देते हैं। देन गाइस सब को डन करके बैक कर देना, ठीक है। देन गाइस सब को इसे फिर माना है, इसका जो टेक्सचर थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका क्लैरिटी को हल्का से माइनस करके इसका जो बिगनिंग थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा है, और इसके जो मिड पॉइंट को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए। देन गाइस सबको ट्रायंगल माना है, इसका जो शार्पिंग थोड़ा सा प्लस कर देना होगा और इसका जो नॉइज रिडक्शन है इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, और इसका जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको प्लस कर दीजिए। तो गाइस आप देख ही सकते हैं गाइस हमारे बिफोर फोटो एंड आफ्टर फोटो, बिफोर एंड आफ्टर कितने अमेजिंग तरह से हमारा फोटो रेडी हो चुका है। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और गए चैनल पढ़ना है जो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।